जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल कमांडो करियर एकेडमी में। दोस्तों आज मैं कुछ खास टॉपिक पे बातचीत करने वाला हूँ, तो जो भी व्यूअर मेरे चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज़ आपके अपना YouTube चैनल कमांडो करियर एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले जरूर पहुँचे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं मेन टॉपिक। दोस्तों बात यह है, मैं पहले ही बताया हूँ, किसी का बहकावे में मत आओ। आज मैं इसी बात पे डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि देखो जो रास्ता भटक चुका है ना, उसी को भटकाने का प्रयास इस वीरों का धरती में कराने वाला बहुत वीर है, जो कि जिसको भी मेरा वीडियो पसंद ना आए वो स्किप करके आउट हो सकते हो, कोई मतलब नहीं है। जिसको पसंद ना आए वो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, मुझे पहले से बता देता हूं, क्योंकि हमारे लैंग्वेज में एक बात है, दुष्टु गोरुर थेके सुन्नो ग्वाल अनेक भालो। इस वॉइस को रिकॉर्ड कर लेना और जिसका जो लैंग्वेज हो अपना मदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेना, दुष्ट गुरुर चे सुन्नो ग्वाल भालो। सो जो भी है मैं बता रहा हूँ, देखो दोस्तों 2011 में 2017 में बहुत केस हो रखा है SSC के ऊपर, आज तक कभी सुने हो कि फलाने ने केस कर दिया तो उसका ज्वाइनिंग रुक गया, या फिर पूरा लिस्ट कैंसिल कर दिया? सुने हो क्या? नहीं सुने हो तो दोस्तों बहकावे में मत आओ। बिना कंपटीशन का तैयारी करोगे फेल करोगे, पक्का 100% फेल करोगे। तैयारी नहीं करोगे क्या, किस हक से ले रहे हो? तैयारी नहीं करोगे पास हो गए, तुमसे जो ज्यादा नंबर ले रखा है, जो जिस कैटेगरी में आ रहा है, जिसका हिसाब से रूल बनाया है SSC ने, उस हिसाब से तुम सिलेक्टेड नहीं हो, तुम फेल कर दिए। तुमको घर का खेत तो है नहीं कि मुझे चाहिए। साला मजदूर है क्या? मजदूर यूनियन हो, तुमको दे देगा। मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो दोस्तों जिसका सिलेक्शन हो गया ना, वो एकदम बेफिक्र रहो, एकदम टेंशन फ्री रहो, किसी का कुछ भी कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा जिसका सिलेक्शन हो गया। और उसका एग्जैक्ट डेट भी बताऊंगा वीडियो का लास्ट में कि कब उसका ट्रेनिंग स्टार्ट होने का शेड्यूल निकल चुका है और कब तक लास्ट, मतलब लास्ट डेट कब है, जो कि उस डेट के बाद ज्वाइनिंग लेटर किसी का नहीं आएगा, उससे पहले आ जाएगा। तो मैं लास्ट डेट भी बताऊंगा वीडियो का लास्ट में, और बीच बीच में भी दो पॉइंट है तो वीडियो का बीच में भी बताऊंगा और वीडियो का लास्ट में बताऊंगा, नहीं तो देखो आज तक कोई भी ये सुने नहीं हो कोई कि बिना मेहनत का बिना युद्ध का कोई चीज हासिल हुआ है। सेना भी युद्ध करता है अपना धरती के लिए, अपना देश के लिए, अपना देश की मिट्टी के लिए। पहले राजा महाराजा युद्ध करता था अपना राज्य के लिए। देखो बिना युद्ध का कुछ नहीं हो सकता, बिना मेहनत का कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं मिल सकता। तुमको मिले नहीं और मेहनत करो, मिल जाएगा। मेहनत करोगे नहीं मिलेगा नहीं, किसी का बैकअप में आओगे, आ जाओ। देखो केस वही करता है जिसके बाप के पास पैसा होता है, हमारे बाप के पास तो पैसा है नहीं, हम केस नहीं कर सकते। सो केस करो, दबा के केस करो, जितना मर्जी, जितना बड़ा बड़ा वकील पकड़ना है, जज पकड़ना है, बैरिस्टर पकड़ना है, जिसको जो पकड़ना है आराम से पकड़ लो, और जिसको जो उखाड़ना है उखाड़ लो SSC का। और मैं चैलेंज के साथ बता रहा हूँ, कोई साला माइकल लाल होगा ना तो ले लेना चैलेंज, कितना भी फन्ने खाओ चैलेंज ले लेना,
और ये नियुक्ति कैंसिल करा के दिखा देना, मैं मान जाऊंगा उसको, करा देना। कोई माइकल लाल होगा ना साला, करा देना कैंसिल, ठीक है। क्योंकि उसका बाप का वकील है, बाप का कोर्ट है, करा देगा। बाप बोल देगा एक बार कि बाप पिताजी जन्मदाता पिता तो नहीं, शायद कोई और तरीके से हो सकता है वो पिता, तो वो करा देगा और एसएससी बोर्ड का ज्वाइनिंग रुकवा देगा, ठीक है। खैर दोस्तों, किसी का भड़कावे में मत आओ, ये उस पुर्जे के लिए है जो कि मेरा वीडियो देख के जेलस फील होता है भाई, कर लेना। अच्छा, जो जिसको करना है एक एक करके कर लेना, ठीक है, कहीं भी। तो दोस्तों, किसी का भड़कावे में मत आओ, नेक्स्ट वैकेंसी का तैयारी कर लो, और जिसका सिलेक्शन हो गया वो बिंदास चैन का नींद सो लो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लो। आप लोगों का ज्वाइनिंग लेटर मार्च लास्ट वीक तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस आप लोगों का पूरा मार्च लास्ट वीक तक कंप्लीट हो जाएगा सबका। कोई बोल रहा है कि सर वो तो ठीक है, पर जो विथहेल्ड वाला, उसके बाद जो एक सर्विसमैन का कोठा था वो पूरा करने का बात कर रहा है, वो एसएससी के ऊपर डिपेंड है। एसएससी नहीं करना चाहेगा नहीं करेगा, वैकेंसी पूरा करना नहीं चाहेगा नहीं करेगा। पहले भी तो बहुत आदमी केस कर रखा है, कुछ हुआ है नहीं हुआ ना, इस बार भी नहीं होगा। और मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ना सेकंड लिस्ट आएगा ना कुछ, ना एक सर्विसमैन का कोठा पूरा होगा। अब पूरा हुआ ना तो मेरा चैनल से आउट हो सकते हैं, मेरे बात पर विश्वास नहीं है। दोस्तों देखो, नेक्स्ट वैकेंसी जो निकला है, बहुत वैकेंसी निकल रहा है, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से प्रिपरेशन लो, कब बन जाओगे, कब मिल जाएगा। पर किसी का भड़कावे में मत आके पैसे का बर्बाद नहीं, कोई भी वकील फ्री में तो केस आपका लेगा, क्योंकि आजकल तो फ्री में ऑक्सीजन भी नहीं मिलता है। अभी तो मिल रहा है पर इंतजार करो, वो भी खत्म हो जाएगा। पैसे से पानी तो चालू हो गया, तो आपका केस कैसे ले लेगा। जिसके पास पैसा है, जिसका आपके पास पैसा है, वो भाई आराम से केस करो, हाईकोर्ट भी करो, सुप्रीम कोर्ट भी करो, ठीक है, और ले लो नौकरी केस करके कि तुम्हारा नंबर ज़्यादा है। देखो, जब अप्लाई किए थे तो साफ सुथरा नोट में लिखा हुआ था कि क्यों नहीं पूरा हो सकता है, किस आधार पे जारी की जा रहा है, फाइनल पैनल लिस्ट किस आधार से बन रहा है, पूरा मैं पहले वीडियो में बता रखा हूँ, वो देख लेना, नहीं तो नोटिफिकेशन देख लेना। और बोल रहा है एक सर्विसमैन का कोठा 5,900 शायद 2-3 होगा, तो वो पूरा करना चाहिए। पहले तो दे रखा था कि अगर एक सर्विसमैन का इससे पूरा नहीं होगा तो फिर जनरल कैंडिडेट को उसमें सिलेक्ट करा कर लिया जाएगा, उसमें नहीं करेगा एसएससी नहीं करेगा तो नहीं करेगा, चाहे आप कितना भी कोर्ट केस करो, इसका ज्वाइनिंग हो जाएगा, ट्रेनिंग भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारा केस चलता रहेगा। वकील को पैसा खिलाते रहना, दबा के तुम्हारा केस वकील लड़ता रहेगा, नेक्स्ट वैकेंसी आएगा उसका भी ज्वाइनिंग खत्म हो जाएगा। मैं जिसके पास पैसा है वो लड़ोगे, लड़ते रहो आराम से, ठीक है। और बाकी बहुत बहुत बधाई हो जिसका सिलेक्शन हो गया है, और जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है टेंशन लेने कोई बात नहीं है। पैरामेडिकल का सीआरपी का वैकेंसी आ रखा है, आसाम राइफल का वैकेंसी तो निकल चुका है, और वो तो शायद जो रिलेशन वाला था उसके लिए, इसलिए मैं वीडियो उसका बारे में नहीं बनाया था। सीआरपी का बहुत वैकेंसी आया, जैसे हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्रियल का है, नॉन टेक्निकल स्टाफ का है, पैरामेडिकल है, तो उसमें ट्राई करो, पक्का हो जाओगे। जय हिंद दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और लाइक डिसलाइक आपके ऊपर।